हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अभिजीत सिन्हा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 16 द गुप्ता एम्पायर। वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड अप टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। नाउ टुडे ऑनवर्ड वी स्टार्ट फ्रॉम रिलीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द किंग एंड द मोस्ट ऑफ द पीपल वर द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म और शैविज्म। वी आर ऑलरेडी रीड दैट इन द अर्लियर टाइम्स और फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स पीपल फॉलो दिस टू रिलीजन, दैट इज शैविज्म एंड वैष्णविज्म। शैविज्म एंड वैष्णविज्म इज द पीपल हु फॉलो और टू प्रीच और टू वर्शिप अबाउट लॉर्ड विष्णु, दे वेर नोन एज वैष्णविज्म। एंड द पीपल हु फॉलो और टू प्रीच और वर्शिप द लॉर्ड शिव इज नोन एज, दे वेर नोन एज शैविज्म। They were followers of Buddhism and Jainism as well. It means they were the follower of Buddhism and Jainism with Vaishnavism and Shaivism. They all lived harmoniously. Harmoniously means live with fraternity or brotherhood. भाईचारा के साथ रहना, peacefully रहना, एक दूसरे के साथ मिलकर cooperation के साथ रहना। सन वॉज ऑल्सो वर्शिप बाई मैनी पीपल। भगवान सूर्य को भी लोग पूजा करते थे, उनकी आराधना किया करते थे। मैनी सन टेम्पल्स वर बिल्ट। द किंग्स गेव ग्रांट्स एंड डोनेशंस टू ऑल द रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के गुप्ता एम्पायर के जितने भी रूलर्स थे वो लोग जो भी डोनेशन दिया करते थे वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होता था। बट जो भी डोनेशन उनका होता था, ऑल द डोनेशन रिलेटेड विथ रिलीजन। इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म एंड संस्कृत लैंग्वेज। ये एक पीरियड था जो कि संस्कृत एंड हिंदुइज्म का, संस्कृत लैंग्वेज और हिंदुइज्म का रिवाइवल था। इन दिस पीरियड पीपल प्रमोट द हिंदुइज्म एंड संस्कृत लैंग्वेज। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड वॉज हाईली डेवलप इन ऑल इट्स ब्रांचेस, दैट इज स्कल्पचर्स मूर्ति बनाना, पेंटिंग कलाकारी, टेंपल बिल्डिंग टेंपल बनाना, मेटलर्जी मेटल का चीज़ यूज़ करना, म्यूजिक ईटीसी। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ टेंपल बिल्डिंग। इनिशियली देयर यूज्ड टू बी वन टेंपल वेयर द इमेज ऑफ द मैनी डेटी वॉज इंस्टॉल्ड विथ अ डेकोरेटेड मेन गेट। कहता है टेंपल जो भी वहाँ बनता था वो टेंपल ऐसा नहीं था कि किसी एक धर्म के लिए या किसी एक मूर्ति के लिए, किसी एक भगवान के लिए बनता था। वो एक टेंपल बनता था और उसमें मेनी डेटी वॉज इंस्टॉल्ड विथ अ डेकोरेटेड मेन गेट। मेन गेट को डेकोरेट करने के साथ साथ बहुत सारे भगवान को और बहुत सारे देवी देवताओं को वहाँ पर बैठाया जाता था या फिर उनकी स्थापना की जाती थी। लेटर ऑन द साइज ऑफ द टेंपल बिकम लार्जर एंड लार्जर। धीरे धीरे टेंपल का साइज जो था वो लार्ज और लार्ज होता चला गया। ए स्मॉल वन रूम टेम्पल कैन बी सीन नियर द सांची भितरगांव कानपुर एंड देवगढ़। इट इज़ इन झांसी, देवगढ़ झांसी, झांसी इट इज़ इन यूपी, कानपुर इट इज़ ऑल्सो इन यूपी। ए स्मॉल वन रूम टेम्पल कैन बी सीन नियर द सांची। ए स्मॉल वन रूम टेम्पल, एक ही रूम और स्मॉल टेम्पल कहाँ देखने के लिए मिला? सांची में, भीतरगांव में और देवगढ़ में, ये तीन जगह पे दिखा है। द नेक्स्ट वन इज द टेम्पल वर डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स सच एज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर्स। शिवा रॉक कट टेम्पल एट अजंता केव्स, अजंता के केव्स में, अजंता गुफा में शिवा रॉक कट टेम्पल दिखाई दिया है। मतलब एक टेम्पल जो कि जिनमें भगवान शिव, लॉर्ड शिव का स्ट्रक्चर्स रॉक कट, चट्टान को काट के, रॉक को काट के बनाया गया है। अजंता एंड एलोरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, दोनों महाराष्ट्र में है अजंता एंड एलोरा केव्स। प्रेजेंट द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ पेंटिंग एंड द स्टोन कट टेम्पल एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्टोन कट टेम्पल्स, पत्थर को काट के बनाया गया टेम्पल। मैनी इमेजेस कंसर्निंग कृष्ण लीला हैव बीन फाउंड इन राजासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, बंगाल के राजासी डिस्ट्रिक्ट में कृष्ण लीला का इमेज दिखाई दिया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण लीला
भगवान श्री कृष्ण जी के लीला का वर्णन किया गया। लीला कहने का मतलब उनका बचपन से लेकर बड़े तक का चित्र को, इस कल्चर को इनग्रेव कर करके दिखाया गया है। अ लार्ज इमेज ऑफ वरह ऑफ फोर्थ सेंचुरी इमेजेस ऑफ महावीर स्वामी एंड महात्मा बुद्ध आर सम ऑफ द फाइन एग्जांपल ऑफ देयर एक्सेलेंस इन स्कल्पचर मेकिंग ऑफ दैट पीरियड। अ लार्ज इमेज ऑफ वरह, वरह इट इज़ अ अनदर फॉर्म ऑफ भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु। नेक्स्ट इज ऑल्सो इमेजेस ऑफ लॉर्ड महावीर, महावीर स्वामी एंड महात्मा बुद्ध आर सम ऑफ द फाइन एग्जाम्पल ऑफ देयर एक्सीलेंस इन स्कल्पचर मेकिंग ऑफ दैट पीरियड। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दिस पीरियड्स आर्ट एंड स्कल्पचर। इस पीरियड का या इस टाइम का, इस गुप्ता पीरियड का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स था, सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पीरियड आर्ट एंड स्कल्पचर इज दैट दे आर टोटली फ्री फ्रॉम फॉरन इम्पैक्ट। इट मीन्स देर आर नो एनी फॉरन इम्पैक्ट और फॉरन इन्वेड एट दैट टाइम। उस समय इंडिया में किसी भी तरह से कोई फॉरन इन्वेड नहीं हुआ था या किसी तरह का फॉरन इम्पैक्ट, फॉरन अटैक नहीं था। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता पीरियड वॉज द गोल्डन पीरियड फॉर संस्कृत लिटरेचर। इट मीन्स गुप्ता पीरियड जो था वो गोल्डन पीरियड था किसके लिए, संस्कृत लिटरेचर के लिए। क्यों गोल्डन पीरियड कहा गया है, क्योंकि उस टाइम पे संस्कृत लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था और बढ़ाया जा रहा था। कालिदास अडॉर्न्ड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त टू के दरबार में थे। इट मीन्स कालिदास वॉज द कोर्टियर ऑफ चंद्रगुप्त टू। ही वॉज वन ऑफ द नाइन जेम्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। हिज मोस्ट फेमस वर्क आर अभिज्ञाना शकुंतलम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, कुमार स्तंभ, रघुवंश एंड मेघदूत एंड मेनी अदर्स। ऑल दीज आर द वर्क ऑफ कालिदास। कालिदास के द्वारा लिखी गई ये सारी किताबें हैं एंड मेनी अदर वर्क। भाषा रोट 17 प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस प्लेस इज ऑल्सो वेल नोन। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस इट मीन्स मुद्रा राक्षस, इट इज़ अ प्ले रिटन बाई विशाखदत्त। नेक्स्ट इज पोएट हरिसेन प्रेस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। अलाहाबाद प्रशस्ति पंडित विष्णु शर्मा वर्क पंचतंत्र इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ टेल्स विथ मोरल टीचिंग्स। यहाँ तक जितने भी पोइट्स थे, जितने भी कोर्टियर थे, जितने भी जो राइटर ऑथर्स थे, उन सारे लोगों के बारे में बताया गया कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी। जैसे दो चार किताबें कालिदास की बताई गई, एक किताब विशाखदत्त की बताई गई जो मुद्रा राक्षस थी, हरिसेन की पोइट बताई गई और आगे पंडित विष्णु शर्मा के भी वर्क जो जिन्होंने पंचतंत्र लिखा था। दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन पाली, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज। पाली एंड प्राकृत इट इज ऑल्सो लैंग्वेज एंड तमिल लैंग्वेज एज वेल। रामायण एंड महाभारत वेर ट्रांसलेटेड इन टू तमिल। रामायण एंड महाभारत वेर ट्रांसलेटेड इन टू तमिल। रामायण एंड महाभारत को तमिल में ट्रांसलेट किया गया। इट मीन्स इट ऑल दीज टू ट्रैक्ट रिटेन इन संस्कृत लैंग्वेज। ये दोनों किताबें रामायण और महाभारत जो थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, जिनको बाद में तमिल में ट्रांसलेट किया गया। द नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड इन द साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी गुप्ता एम्पायर ऑल्सो कंट्रीब्यूट और प्ले देयर रोल। द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन नो लेस। इट मीन्स ऐसा नहीं था कि टेक्नोलॉजी और साइंस में गुप्ता एम्पायर ने कम कंट्रीब्यूट किया या कम कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। उन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। इस चीज़ को एग्जांपल के वे में समझेंगे कैसे। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस वर वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में साइंस के बहुत सारे ब्रांच को डिस्कस किया गया था, सच एज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इट इज़ रिलेटेड विथ पाम और कुंडली।
एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड विथ स्पेस, मैथमेटिक्स, गणित, मेडिसिन इट इज़ रिलेटेड विथ ट्रीटमेंट, केमिस्ट्री एंड मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस वर वेल प्लेड ड्यूरिंग दिस पीरियड और वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन ऑफ दिस पीरियड. आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त अंपायर के पीरियड के साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे. इट वॉज ही हु फर्स्ट प्रूव दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस एंड नॉट वाइस वर्सा. कहता है सन जो है सिर्फ वही मूव करता है, अर्थ जो है सिर्फ वही मूव करता है सन के चारों ओर. इट इज़ नॉट वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स जस्ट अपोजिट. ऐसा नहीं है कि सन जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है. वी फील लाइक दैट सन मूव अराउंड अर्थ और सन मूव अराउंड द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. क्यों? पहले सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, तो हम लोगों को लगता है सनराइज होता है और सनसेट होता है. बट एक्चुअली अर्थ रिवॉल्व होता है अराउंड द सन, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नॉट ईस्ट टू वेस्ट. ही हैड रिटन अ बुक आर्यभट्टम ऑन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के ऊपर इन्होंने अपनी अपने द्वारा लिखी गई किताब थी आर्यभट्टम. द बुक एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो डेसिमल सिस्टम एंड ऑल्सो अबाउट ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स. इवन द इक्लिप्स कुड ईजली बी प्रेडिक्टेड. इक्लिप्स को भी आप ईजली प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इक्लिप्स मीन्स सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स. जैसे 15 डेज पे न्यू मून और फुल मून होता है वो. चरक अ फिजिशियन रोट चरक संहिता एंड सुश्रुता. सुश्रुता एंड चरक संहिता लिखा गया था चरक के द्वारा. क्या था ये? अ सर्जन रोट सुश्रुत संहिता. देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इज वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. इट मीन्स इट इज अ बुक रिलेटेड विथ मेडिकल साइंस. ये मेडिकल साइंस रिलेटेड बुक था जिसमें काफ़ी सारे ट्रीटमेंट और बहुत सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशन बताए गए थे, दिए गए थे. नागार्जुना वॉज द फेमस स्कॉलर ऑफ केमिस्ट्री. नागार्जुना वॉज द फेमस स्कॉलर ऑफ केमिस्ट्री. ही द रस्ट फ्री आयरन पेलर एट मेहरौली इन न्यू दिल्ली हैज़ नेवर गॉट रस्ट टिल टूडे. कहता है मेहरौली में जो आयरन पीलर बना हुआ है वो अभी भी रस्ट फ्री है, मतलब अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है. और वो कब का बना हुआ है? इट इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. तो हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो बनने के बाद भी उसमें रस्ट फ्री है, जंग नहीं लगा. और अभी एट प्रेजेंट की बात अगर आप कर लें, किसी लोहे को अगर पानी में डाल के छोड़ दो तो विद इन 10 to 15-20 डेज में उसमें आपको रस्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ इट्स अलॉय इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी ऑफ गुप्त पीरियड. इट मीन्स क्या शो किया जा रहा है? तो ये एक्सप्लेन किया गया या फिर ये प्रूफ कर दिया गया कि उसमें जो आयरन का जो अलॉय है, जो आयरन एक्चुअली है, वो बिल्कुल प्योर है. दैट्स वाई इट वॉज रस्ट फ्री. नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट गोल्डन एज ऑफ गुप्त अम्पायर एंड वाई द एज इज नोन एज गोल्डन एज. आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर यू मस्ट हैव नोटिस दैट द अचीवमेंट ऑफ वेरियस गुप्त किंग्स इज इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. दैट्स वाई द एज ऑफ गुप्त पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज, बिकॉज एट दैट टाइम और इन द पीरियड ऑफ गोल्डन और इन द पीरियड ऑफ गुप्त अम्पायर मेनी अचीवमेंट्स वेर टेक प्लेस. विच टाइप्स ऑफ अचीवमेंट्स? दैट इज वाई द गुप्त पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया. इट इज ड्यू टू द अचीवमेंट ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी, पीस एंड ऑर्डर एंड ऑल्सो गेनिंग द अचीवमेंट्स विथ मेनी फील्ड सच एज आर्ट, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिलीजन, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड इन सो मेनी फील्ड गुप्त अम्पायर गेनिंग देयर इम्पोर्टेंस और क्रिएट देयर अम्पायर एज अ वेल नोन अम्पायर. देयर वॉज अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस. गुप्ता रूलर्स मेड ग्रेट एफर्ट्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिंदू रिलीजन्स एंड संस्कृत लैंग्वेज. द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लीगल आइडियल एंड हेंस द सब्जेक्ट वेयर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस.
इट मीन्स इन द पीरियड ऑफ गुप्त एम्पायर ऑल द सिटीजन ऑल द पीपल्स वर लिव विथ हैप्पीली एंड prosperous. Brahmins, scholars, saints and women were respected in this society. Aryabhatta, Varahamihira, Nagarjuna were the famous scholar of this period. Students from far away places came to study in the universities of Nalanda, Kannauj, Takshila, Ujjain, etc. It means at that time Nalanda, Kannauj, Takshila and Ujjain were the well-known education center. Gupta rulers encouraged the development of agriculture, industries and trade also. They also introduced coin made of silver and gold. That's having all the achievements or with the conclusion of all these achievements, we can easily say that the period of Gupta Empire is known as a golden age. तो इस चैप्टर में स्टोरी जो था गुप्ता एम्पायर का वो यहाँ तक. नेक्स्ट हम लोग जो है इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन. कम ऑन द पेज नंबर 140. टिक द करेक्ट ऑप्शन. हु वाज द लास्ट कुशन रूलर. फर्स्ट लाइन ही इस चैप्टर का हम लोगों ने पढ़ा था. वासुदेव वाज द लास्ट कुशन रूलर. हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया. समुद्रगुप्त. Who was the first person to prove that the earth moves around the sun? अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है. आर्यभट्ट ने इस चीज़ को प्रूव किया था. अजंता एंड एलोरा केव्स आर फेमस फॉर देयर रॉकट टेम्पल्स और स्टोन कट टेम्पल्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिवेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त टू. दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइंस वेयर वेल डेवलप्ड. ये होगा. Education was available to people of all the classes in this society. Education are available at the center of Ujjain, Takshila, Nalanda, Kannauj. Next is, agriculture was the main occupation of the people. Yes, it is also correct. Most of the people, including the king, followed Shaivism and Vaishnavism. Yes, people followed the Shaivism and Vaishnavism. But the second one is quite different. That is, education was available to the people of not all the classes. It is available to the elite class or to the rich people. Next is fill in the blanks. Who was a renowned poet in the court of Chandragupta II? Kalidas. A famous collection of tales written by Pandit Vishnu Sharma. It is Panchatantra. Next is the rust-free iron pillar is located at Mehrauli in New Delhi. In Gupta Empire, that was the main source of revenue. Blanks, it is taxation. In Gupta Empire, taxation was the main source of revenue. The main source of entertainment of people in Gupta Empire was celebration of festivals and animal fightings. Question बस यहीं तक देखेंगे. Next day हम लोग tick the correct option, true or false. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वो देखेंगे. तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे. नहीं समझ में आए तो फिर से रिवाइज करके देखोगे. और कोशिश करो इस वीडियो से जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता हो या ऐसा लगता हो कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या फिर द क्वेश्चन मे बी कम इन योर एग्ज़ाम, देन प्लीज़ रिवाइज इट और राइट इट इन योर कॉपी. ओके, थैंक यू.